हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों एक मंत्र का मैं उच्चारण करूंगा इस वीडियो की शुरुआत में। कर्गे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। जी हाँ, इस मंत्र में ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमारे हाथों के ऊपरी भाग में माँ लक्ष्मी है स्थापित, हमारे हाथों के मध्यम भाग में माँ सरस्वती का वास है और हमारे हाथों के निचले भाग में भगवान कृष्ण का वास है। तो अगर हम सुबह उठ के अपने हाथों को सामने रख के ये मंत्र का उच्चारण करते हैं तो मानिए कि हमने अपनी पूरी जिंदगी की संपत्ति पा ली है। जी हाँ, हाथों का चक्कर आज से नहीं, हमारे बचपन से है। जब स्कूल टाइम में हम कई मुहावरे पढ़ते थे, किसी का दाहिना हाथ होना, किसी को आड़े हाथ लेना, और इन हाथों की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारी लाइफ में, मैंने कुछ चंद पंक्तियों में उनको एकत्रित करने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगी। मैं कुछ पंक्तियाँ हाथों के लिए पेश कर रहा हूँ। हाथ दुश्मन पर उड़ जाए अगर तो वो वार कहलाता है, हाथ दुश्मन पर उड़ जाए अगर तो वो वार कहलाता है, हाथ किसी के नमन में जुड़ जाए अगर तो वो संस्कार कहलाता है, हाथ बन जाए अगर हमारे, हाथ बन जाए अगर हमारे तो वो गुलाम कहलाता है, हाथ बन जाए अगर हमारे तो वो गुलाम कहलाता है, हाथ में अगर कलम दे दो तो वो कलाम बन जाता है, हाथ में अगर कलम दे दो तो वो कलाम बन जाता है, हाथ झुककर उठे, हाथ झुककर उठे तो वो सलाम बन जाता है, हाथ झुककर उठे तो वो सलाम बन जाता है, हाथ उठकर झुके तो वो एक फरमान बन जाता है, हाथ अगर किसी का सर पे हो, हाथ अगर किसी का सर पर हो तो वो आशीष कहलाता है, हाथ अगर किसी का सर से उठ जाए तो वो एक तकलीफ कहलाता है, हाथ किसी का अगर हाथ में हो, हाथ किसी का अगर हाथ में हो तो वो साथ कहलाता है, हाथ अगर किसी का कंधे पर हो तो वो हौसला बन जाता है, कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए, कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो जिंदगी की सीख कहलाता है, कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो जिंदगी की सीख कहलाता है, हाथ फैलाकर अगर खड़े हो जाओगे, हाथ फैलाकर अगर खड़े हो जाओगे तो वो एक भीख कहलाता है, क्यों आड़े हाथ लेने के चक्कर में तू जिंदगी भर उलझ जाता है, आखिरी सफर में तू मेरे दोस्त हर इंसान बस खाली हाथ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरी इन चंद पंक्तियों में मैंने हाथों की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, दर्शाई है, और बहुत ही सिंपल चीजें हैं और जिनको हम जनरली अपनी लाइफ में इग्नोर करते हैं। आशा करता हूँ ये चंद पंक्तियां आपकी लाइफ में एक आशीर्वाद बन के आएंगी, एक ब्लेसिंग बन के आएंगी, और हम अपने इन हाथों से अच्छे कर्म ही करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।